गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स। शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर, तो अब मेरी भी डांस की तैयारी आ चुकी है क्योंकि सबसे लेट मैं ही हूँ। सब लोगों ने अपना अपना रिहर्सल कर लिया, मेरे अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। मुझे पता है डांस करना मेरे लिए जितना बड़ा टास्क है उससे बड़ा टास्क है इन लोगों के लिए मुझे सिखाना है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यार। तो करे, ऑल सेट, रेडी? चलो भाई, हम लोग डांस सीख रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कौन से गाने पे हमें डांस करना चाहिए। तीन चार गाने फाइनल किए हैं, बट वो ये कि बहुत ज्यादा चल चुके हैं, तो हमने सोचा कि हम चेंज करते हैं, कुछ अलग करते हैं। मेरे फेवरेट गाने पे डांस हो रहा है, वो आपको उसी दिन देखने को मिलेगा। हम 20 तारीख की रिहर्सल कर रहे हैं, शादी की लगन अपने घर पर कर रहे हैं, लखन दीदी वगैरह। मैं अभी 20 तारीख की कर रही हूँ, मुझे वहां पर जाके फिर करनी है। हेलो बूजी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर खुजली कर रहा, तब तक मैं निकल जाती हूँ इस रूम से बाहर। और यहाँ पर बाहर निकल के आप देख सकते हो हमारे घर में क्या तूफान मचा रखा है सबने। यहाँ पर हम कोई चैलेंज कर रहे हैं, गुची के बर्थडे के बैलून्स इतने सारे रखे हैं, यूज तो किया जाए यार इनका कुछ ना कुछ। यहाँ पर शूट खत्म करने के बाद हमें जाना है फिर से दिल्ली। अभी टाइम कितना हो रहा है? 1:00। तो दोस्तों, मुझे ये कपड़े पहना है नीतू ने, बड़े पिंकिश से लग रहे हैं, पर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सूट ही कर रहे होंगे मेरे पे। नीतू लाइए तो इधर ही बैठी बैठी सुन रही है सारी बातें कि मैं कोई बुराई ना करूं इसकी। हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मेरे कपड़े की जो फिटिंग थी वो हो गई है अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन जाके एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि आपके जो शादी वाला शेरवानी है और जो जितने भी कपड़े हैं ना सब रेडी हो गए। जाके देखा ना, एकदम ढुल पुल थे वो, तो आज जाके देखता हूँ ठीक किया या नहीं। हमारे साथ जा रही है हमारी छाया बहन। बच्चे के लग जाएगी। अभी बता दूं कैसे बैठेंगे। पूरे में जरा साइड खिसकने में, एक बार पीछे जाना, देखो कुछ गिर गया। वो मैं इधर ही बैठ जाऊंगी। जाओ तो सही। हम लोग यहाँ पर लगन का वेट कर रहे हैं और लगन ने बुला लिया कि चलो 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 चलो, हमें वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। से बोल रहा है 3 बज गए हैं। बट ये चेयर बहुत अच्छी है गाइस, मैंने ये हाथ ले लिया है जिससे हम आज शूट करेंगे। यस यस, लगन की पीछे मीटिंग चल रही है। लगन की मीटिंग चल रही है और इसको नींद आ रही है यार, इससे कुछ भी कर सकते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। हम लोग पहुंच चुके हैं शॉप पर और पूनम दीदी यहाँ पर फुल नींद में खनाटे ले रही थी अभी 2 मिनट पहले, और लखन यहाँ पर स्वैग में। लखन ऐसे क्यों स्वैग में बैठे हो तुम? आई मैं लखन के साथ एक दो वीडियो शूट कर रही थी ऐसी स्टोरीज के लिए, तो लखन को गुस्सा आने लगा और कह रहा है। लखन क्या हो गया था तुम्हें? क्या क्यों गुस्सा आ रहा था? मैं बैठ रहा हूँ कुछ भी ना, तो एकदम स्टोरी बनाने लग जाती है। तो मैंने बोला ना स्माइल करो, स्माइल कर दिया करो एकदम से, क्या हो गया? यहाँ पर देखो कितने ट्रैफिक पुलिस वाले हैं और पकड़ लिया, मुझे तो लोगों से बहुत डर लगता है भाई। दूसरी गाड़ी कहाँ है उसे पकड़ लें। पूनम दीदी चलो आ गया बेटा। गाइस हमने यहाँ से अपने प्यारे प्यारे आउटफिट्स पिक कर लिए हैं जो मैं पहनूंगी 20 तारीख के फंक्शन में, और एक पहनूंगी अपने शादी के बाद। और जो शादी के बाद वाला जो मेरा मुंह दिखाई होगी वो आउटफिट के बारे में क्या बोलेगी? वो तो सबसे बेस्ट है, सबसे शादी वाले से भी बेस्ट है वो सबसे। यार ऐसा मन बोल, मतलब दोनों ही अच्छे हैं, बट जो कलर है ना वो कलर खिल के आता है कोई पहनता है तो वो बहुत सुंदर लगने वाला। लखन का हर जगह यही ड्रामा है ना, वेट करवाना और खुद खाना खाने भाग जाना। हम आए हैं लखन का आउटफिट देखने के लिए यहाँ पर। लखन क्या है यार, कितनी बारी लेकर आते हो तुम, भगाते रहते हो। गजब बेइज्जती है। ये सारा हैंडवर्क है तभी इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। और मुझे कॉमेंट से बताना मैं लग कैसी रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको शादी का डांस करके दिखाऊंगी, पहले तो मैं ऐसे एंट्री लूंगी, ये मेरी एंट्री है, फिर मैं यहाँ पर ऐसे रखूंगी और फिर मैं क्या हो गया भाई, तू क्यों उदास बैठा हुआ है? मैंने देखो शादी की सब तैयारी हो गई है, सिर्फ जो मेरा आउटफिट था ना शादी वाला उसमें 2 बार दिक्कत हो गई है, तो मैं बस फिंगर्स क्रॉस भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि तीसरी बार में ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है तुझे, कहीं ऐसे ही ना जाना पड़ेगा। बहुत फनी लगूंगा यार क्योंकि नीतू का तो सब एकदम अच्छा हो गया, टेंशन हो रही है। हम तो घर आ गए, कितनी तेज दौड़ रहा है यार। बेदी यार एक चीज है, आप लाइफ में कितने डिसअपॉइंटेड हो, लाइफ में कुछ भी चल रहा है, लेकिन ये जो नन्ने नन्ने चार हाथ पैर वाले दोस्त है ये देखो, अरे बाप रे, ये बस हमें देख के खुश है यार, मतलब नेक्स्ट लेवल है यार। यार एक बार को ना सारी टेंशन भूल सकते हो आप, कि आप देखो कि यार इनको कुछ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, इन्हें बस हम चाहिए, अनकंडीशनल लव सच में सिर्फ यही है यार। अब यार शॉपिंग वाला काम तो मम्मी के साथ ही हो पाएगा, लेकिन आज सच में मेरा बहुत मूड ऑफ है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया 3 अलग अलग आउटफिट बन रहे हैं, तीनों में से एक भी रेडी नहीं है,
शादी में देने कितने रह गए यार, बस 5-7 दिन और लेकिन इन लोगों को अर्जेंसी नहीं है यार। मतलब इनको लगना चाहिए किसी की लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डे है और हम लोग टाइम से काम कर दें, ठीक काम कर दें, आई डोंट नो, इवन आफ्टर पेइंग। क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने कोई भी शादी वाला कोई भी आउटफिट कुछ मैंने कोलैब वोलैब नहीं करता इन चीज़ों में, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम होता है ना शादी का, मैं बाउंड नहीं रहना चाहता कि किसी से कोलैब पे मैं ड्रेसेस मंगा लूँ, है ना, उससे पैसे ले लूँ, फिर वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हमें टैग कर दो, हमें ऐसा फोटो चाहिए वैसा चाहिए। यार ये मेरा मोमेंट है भाई, मैं खर्च कर लूँगा उस मोमेंट के लिए, लेकिन कम से कम बना तो दो, पैसे लेके तो बना दो भाई। हम लोग घर पर आ चुके हैं, अब हम डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं रात में भी आके, और यहाँ पर पता नहीं क्यों इतने ड्रामे चल रहे हैं। तुम जाओ घर यार, हमें डांस सीखने दो। एलेक्सा स्टॉप, ये स्टॉप, वो स्टॉप, ये गुची का ये हटेगा कब ये हटेगा, चलो डांस करते हैं। तो घर आके आप देख सकते हो ये सब शादी की तैयारियां जो कि मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिखाई थी व्लॉग्स में, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। बाद भाई खाना में क्या बनाई? कढ़ी। कढ़ी और चावल? चावल बता। ठीक है मेरे लगा दो प्लेट। मम्मू भाई आ रहे हैं आज कितने देर में? अभी तो कार वार्ड वार्ड करना है। अच्छा अभी भी बहुत मेहनत दिया भाई। तो फ्री है? है? तू ही तो फ्री। मैं वहां से आया आज धक्के खा के। तू धक्के लास्ट में खा रहा है मम्मी, तुझे कई महीने पहले। अरे एक बार शांत हो जाओ, जैसे मैं घर पे आया हूँ, ठीक है? आप पूछो बेटा क्या खाया। अच्छा अरे पूछो। तू कहेगा धक्के खाए। हाँ ठोकर खाई है बस। हमको सिखा रिया है। अगर माँ कहीं भी एक भी डायलॉग बाजी में हीरो नहीं बनने देगी, खुद से खुद पहले सस्पेंस कर लिया यार पूरा। आपने क्या खाया आप अपनी बताओ। मैंने खूब टिक्की समोसे खाए। मैंने कुछ नहीं खाया भाई यार, लेकिन मैंने बहुत खाए यार। मम्मू शादी इतनी पास आ गई है और ये जो कपड़े बना रहे हैं फिटिंग करने का कोई टेंशन नहीं। तू जो बेवकूफ है क्या? तुझसे कई महीने पहले क्या कही? क्या जब तो लेकर कैमरा पूरे दिन ऐसे घूम रहा। क्या कही? कैमरा लेकर मत भी घूम रहा यार। सुन मैंने ये कही लेकिन अपने कपड़े डिसाइड कर ले, चल वहाँ तुझ पर कभी टाइम नहीं हुआ। मैं तो कैमरा लेके ही आऊँ, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ घूमने, 8-8 दिन बिगाड़ता और घूमा दुबई में कभी कहीं। वो बेकार चीज ही है। गाइज आप टेंशन मत लो, मम्मी को दवाई मैं टाइम से दे दूंगा। मम्मी कहाँ है रात वाली दवाई आपकी? निकाल देना अभी, ठीक है? ऐसा होता रहता है यार। सही है, अगर ये डांटे ना तब दिक्कत है, तब ज़्यादा इनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। बट इट्स ओके यार, अब जो भी है जैसा भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बाकी कल मैं इसको ठीक कर दूंगा। कल मम्मू मेरे साथ रहेंगी पूरे दिन। कल आप पूरे दिन मेरे साथ? हाँ हाँ ऐसे मत करो यार। कल मम्मू पूरे दिन मेरे साथ है। रात वाली नहीं, रात वाली तो भी मैं खिला दूंगा इनको। ठीक है गाइस बाय, कल मिलेंगे। लाइक जरूर कर देना, आप लोग भूल जाते हो। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी फेसबुक पर देख रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करके, एक मिनट रुक तो जाओ मेरी माँ, चैनल सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन प्रेस कर दो। आप लोग नहीं करते हो यार, प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना। ये भाई इनको जाके कर दो, इनको जाके फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, योर भम्मू। ओके ओके अपने बोलता है। अच्छा ओके ओके तो जब हो जाए। अच्छा भाई साहब कर दो यार, वरना ओके नहीं होगा। ठीक है कल ये जाएंगे मेरे साथ, कल बहुत सारा धमाल मचाएंगे हम लोग, पर जाके जल्दी से इंस्टा पे फॉलो कर दो। पहले मैं कल देखूंगा मेरे कितने हो गए तभी जाऊंगी मैं। उसके बाद जाओगे? मजा आया। आपके हाथों में मेरी शादी की बागडोर, देख लो अब।